हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम पुरानी एनसीईआरटी, जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है, उससे एक रीडिंग, लाइन टू लाइन रीडिंग करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन का, अगर आप नई बुक के हिसाब से देखें तो इवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर दे रखा है, आप उसका एक पार्ट मान सकते हैं इस चैप्टर को, ओरिजिन ऑफ लाइफ। आखिर अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे, जैसे हम आज के टाइम में देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ डिड लाइफ ओरिजिनेट, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। द क्वेश्चन हैज़ परप्लेक्स्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। जब से हमने होश संभाला है, इंसानों ने कॉन्शियसनेस आई है उनमें, तब से ही वो इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं कि कैसे जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे, शुरुआत में आखिर कैसे, जो इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम आज हैं, ये कैसे हम बन गए थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट टाइम। देर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज बिलीव्ड दैट लाइफ अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। एक वक्त था हिस्ट्री में, एक वक्त था जब माना जाता था कि जो लाइफ जो होती है वो स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप ही नॉन लिविंग मैटर से बन जाती है। वो कैसे, जैसे आप खाना बाहर छोड़ देते, उसको थोड़े दिन रखे रहता तो उसमें मैगेट्स आ जाते थे। क्यों, वो उसमें जो फ्लाई होती थी, हाउस फ्लाई, वो लार्वा अपने एग्स डिपॉजिट करती थी, लार्वा में से मैगेट्स निकल आते। तो ऐसा माना जाता था कि ख़राब चीज़ों से या डिकेइंग मैटर से लार्वा या मैगट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक थ्योरी बना रखी थी स्पॉन्टेनियस ओरिजिन की। तो उसी को पहले ऐसा माना जाता था, देर वॉज टाइम वैन इट वॉज बिलीव डेट लाइफ अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इट वॉज थॉट डेट फिश एंड फ्रॉग्स वर प्रोड्यूस फ्रॉम मड। ऐसा माना जाता था जो मछलियाँ हैं और मेंढक है वो कीचड़ से बनते हैं, और मैगट्स अरोज फ्रॉम डिकेइंग मीट। जैसे मीट बाहर छोड़ दिया तो उसमें से मैगेट्स आ रहे हैं, तो उसमें इतना सोचा नहीं जाता था। ऐसा ही एक थ्योरी बना ली गई कि जो मैगेट्स है वो डिकेइंग मीट में से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मांस गल रहा है या सब्जियां गल रही है उसमें से। मीट इंसेक्ट्स वर फ्रॉम प्लांट जूसेस। जो पेड़ों पे हमें कीड़े मकोड़े दिखते हैं वो प्लांट ही बना रहा है। एंड डेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम एयर और वाटर। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने आप ही हवा और पानी से पैदा हो रहे हैं। इट वॉज द ग्रेट फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पैस्चर हु फाइनली डिसअप्रूव सच थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो जो हमारे फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुईस पैस्चर, उन्होंने इस थ्योरी को डिसप्रूव किया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड वंस एंड फॉर ऑल डेट लाइफ ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो उन्होंने ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया उनको वहाँ पे मनाने के लिए कि जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है, कभी भी नॉन लिविंग मैटर से या नॉन लिविंग किसी भी एंटिटी से लाइफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो साइंटिफिक हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो हाउ देन डिड लाइफ ओरिजिनेट इन द फर्स्ट प्लेस। तो जैसे कि उन्होंने बताया लुईस पाश्चर ने कि ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ प्रोड्यूस होती है, तो उनसे क्वेश्चन किया गया, या नॉर्मली हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो आखिर फर्स्ट, सबसे पहले जो लाइफ थी वो कैसे आई होगी अर्थ पे, कैसे सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा। तो इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं हम। चार्ल्स डार्विन इन अ लेटर टू हिज फ्रेंड एंड डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट सर जोसेफ हुकर प्रोड्यूस्ड अ क्लू टू दिस पजल व्हेन ही रोट, इफ and oh what a big if could conceive in some warm little pond with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, heat, electricity etc. present, that a protein compound was chemically formed, ready to undergo still more complex changes at the present day. Such matter would be instantly devoured or absorbed, which would not have been the case before living creatures were formed. उन्होंने जो चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने सबने सुना होगा, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को
जो काफ़ी जाने माने बॉटनिस्ट थे उस समय के, सर जोसेफ हुकर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने क्लू दिया कि जो हम कंसीव कर सकते हैं छोटे से एक गर्म पानी में कुछ अमोनिया, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से उजा के, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जो हमारा एक्सपेरिमेंट इसमें डिस्कस करा गया विद ऑल सॉर्ट ऑफ अमोनिया एंड फॉस्फोरिक सॉल्ट, लाइट हीट इलेक्ट्रिसिटी से, उसके बाद जो प्रोटीन कंपाउंड्स बने उसमें केमिकली, तो उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया चार्ल्स डार्विन ने अपने फ्रेंड को। तो द आइडिया डेट लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड ऑन द प्रीमोर्डियल अर्थ इवन थ्रू इट माइट नॉट टूडे बिकॉज द कंडीशंस ऑफ द प्रीमोर्डियल अर्थ वर रेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज डेट वी सी टूडे। उन्होंने क्या आइडिया, एक ख्याल आता है कि जब लाइफ जो थी वो प्रीमोर्डियल अर्थ में ही, प्रीमोर्डियल मतलब पहले की जो शुरुआत की अर्थ थी उसमें ही लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है, अब की में नहीं हो सकती चाह के भी। क्यों? क्योंकि जो प्रीमोर्डियल अर्थ की कंडीशंस थी वो कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो लाइफ को जनरेट करने में सपोर्ट करती थी, जो आज की कंडीशन नहीं है। पहले टाइम में ऑक्सीजन नहीं था और एटमॉस्फेयर और काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, काफ़ी ज़्यादा थंडर वगैरह आने की वजह से जो प्री मॉडल कंडीशंस काफ़ी अलग थी आज की कंडीशन से। एटमॉस्फेयर भी ऑक्सीजनिक नहीं था पहले के, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी प्री मॉडल अर्थ में जो आज के टाइम में हमारी नहीं है। हैज सिंस बिकम द बेसिस ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। वो बहुत ही मानी गई थ्योरी, साइंटिफिकली एक्सेप्टेड मतलब हर जगह साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। अ डिटेल्ड थ्योरी बेस्ड ऑन द आइडिया वॉज प्रपोज इन द ईयर 1923 बाय अ रशियन बायोकेमिस्ट ए आई ओपरिन एंड इन 1928 इंडिपेंडेंटली बाय वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट ऑफ अवर टाइम जे बी एस हेल्डेन। उन्होंने बताया कि इस थ्योरी को और डिटेल में बताया किसने, एक रशियन बायोकेमिस्ट थे ए आई ओपरिन, एंड इन 1928 इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप ही 1928 में एक और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बताया जो है जे बी एस हेल्डेन, जिनका पूरा नाम है जे बी एस हेल्डिंग। तो प्रिमिटिव अर्थ में हमारी क्या कंडीशंस थी, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। द प्रिमिटिव अर्थ, देर इज एविडेंस डेट द अर्थ वॉज फॉर्म अबाउट 4,600 मिलियन ईयर्स अगो। द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स एंड द सन टू आर बिलीव टू हैव बीन फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड्स ऑफ कॉस्मिक डस्ट एंड गैस। ऐसे कई सबूत मिला, हम प्रिमिटिव अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं जब अर्थ बनी थी उस टाइम पे क्या कंडीशन थे और किस तरीके से अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट सन वगैरह बने थे। देर इज़ एन एविडेंट द अर्थ वॉज फॉर्म अबाउट, ऐसे एविडेंस अभी तक पाए गए हैं, एविडेंस के लगाया गया है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ जो है हमारी फॉर्म हुई थी, जिसको हम 4,600 मिलियन अगो भी कह सकते हैं मोर प्रिसाइजली। उसी टाइम जो कॉस्मिक डस्ट थी बिग बैंग के बाद जो कॉस्मिक डस्ट गैस थी उनके कंडेंसेशन, उनके इकट्ठा होने से एक जगह कंडेंस होने से हमारी जो अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट और सन स्टार वगैरह की फॉर्मेशन हुई थी। एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन द अर्थ वॉज सो हॉट डेट एवरीथिंग इन इट वॉज प्रोबेबली इन गैसियस फॉर्म। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ इतनी ज़्यादा गर्म थी कि जो भी उस पर प्रॉबेबली पाया जाएगा एवरीथिंग इन इट वॉज इन गैसियस फॉर्म। कोई भी चीज़ थी चाहे वो अर्थ के ऊपर जो हम आज देख रहे हैं पानी हो चाहे कुछ भी हो, वो उस टाइम रहा होगा तो गैसियस फॉर्म में रहा होगा क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई था अर्थ के ऊपर। एज द अर्थ बिगेन टू कूल इट्स मैटर बिगेन टू कंडेंस, जैसे जैसे अर्थ ठंडी होने लगी उसका जो मैटर था वो कंडेंस, आप जानते हैं ठंड गैस को ज़्यादा कूल करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से फिर गैस में आ जाती है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई और कंडेंस हुआ उसका मैटर, तो सॉलिड्स लिक्विड एज वेल एज गैसेस कुड को एग्जिस्ट। उसी टाइम पे सॉलिड्स भी बन सकते हैं लिक्विड्स भी और गैसेस भी, उससे पहले नहीं। क्यों? उससे पहले अर्थ
बहुत हॉट थी, तो उसमें किसी भी सॉलिड या लिक्विड का हो पाना उस टाइम पे काफ़ी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था टेम्परेचर की वजह से। रीसेंट स्टडीज सजेस्ट डेट सिंपल वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म सम वॉट सिमिलर टू टूडे साइनो बैक्टीरिया वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ अबाउट 3,600 मिलियंस ईयर्स अगो। जो हमारे रिसेंट स्टडीज़ में अभी तक पाया गया है, जो सबूत मिले हैं हमें खुदाई करने से या पत्थरों के नीचे से, काफ़ी नीचे से मिट्टी में से, सॉइल में से डिग अप करने से जो हमें या अभी तक सबूत मिले हैं, उसे उनके हिसाब से ऐसा सजेस्ट किया गया है कि जो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे जिनको हम आज के साइनो बैक्टीरिया से सिमिलर या उनके कंपैरिजन में कह सकते हैं कि वैसे ही साइनो बैक्टीरिया जैसे थे उस टाइम भी प्रेजेंट हो गए अर्थ पे 3,600 मिलियंस ईयर्स। हमने अर्थ की फॉर्मेशन की बात करी 4,600 मिलियंस ईयर्स अगो, और जो छोटे वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, पहले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो 3,600 मिलियंस ईयर्स अगो, मतलब थाउजेंड्स मिलियन ईयर्स के गैप में पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रोड्यूस हुआ। तो पहली लाइफ ओरिजिनेट 3,600 मिलियन ईयर्स अगो पे हुई। दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट लाइफ ओरिजिनेट सम टाइम्स बिटवीन 4,600 टू 3,600 मिलियन ईयर्स अगो। तो इन्हीं सब से हमें पता लगता है, क्योंकि 3,600 में सबूत मिल रहे हैं वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म के, तो इसी के बीच 4,600 और 3,600 के बीच ही कहीं ना कहीं लाइफ ओरिजिनेट हुई है। पर अगर माने कि पहली हमें लाइफ फॉर्म का सबूत कब मिलता है, तो वो 3,600 मिलियन ईयर्स अगो पे मिलता है। कंडीशंस ऑन द प्री मॉडियल अर्थ, अब कंडीशंस पढ़ते हैं प्री मॉडियल अर्थ पे क्या रही होगी। अबाउट 3,600 मिलियन अगो वॉज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड टूडे। बहुत ही डिफरेंट थी, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी इसी बुक के टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया है, काफ़ी ही डिफरेंट थी अब की कंडीशंस थे। तो वो डिफरेंट किस तरीके से, द अर्थ एटमोसफेयर एट दैट टाइम वॉज रिड्यूसिंग एंड नॉट ऑक्सीडाइजिंग एज इट इज़ टूडे। उस टाइम का जो अर्थ का एटमोसफेयर था वो रिड्यूसिंग था और नॉट ऑक्सीडाइजिंग एज इट टूडे। आज का देखें तो आज का हमारा ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है, चीज़ें ऑक्सीडाइज होती है अगर उसको हम खाली एटमोसफेयर या एनवायरनमेंट में छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइज, आज का एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग है। यू वुड रिकॉल फ्रॉम चैप्टर थ्री, पुराने चैप्टर से इसकी रीडिंग नहीं करी थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 3 डेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एंड अमोनिया और प्रेजेंट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। तो पहले की रीडिंग से हमें क्या पता चलता है, जो प्रिमिटिव या प्रिमोडियल अर्थ पे कंडीशंस क्या थी, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एंड अमोनिया, ये सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। बट फ्री ऑक्सीजन इज अनलाइकली टू हैव बीन प्रेजेंट इन एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट। फ्री ऑक्सीजन हो सकता है प्रेजेंट हो, बट नॉट इन अ वेरी सिग्निफिकेंट, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही इतनी मात्रा में नहीं थी कि उसको हम सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। फ्री ऑक्सीजन इतनी नहीं थी, बहुत कम थी, मेनली हमारा क्या थी, अमोनिया थी, मिथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर था पूरा। द ऑपरन हेल्डेन, जो ऊपर दो साइंटिस्ट बताए ओरिजिन ऑफ लाइफ के, जिन्होंने थ्योरीज को आगे डिस्क्राइब किया, आगे प्रूफ किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। द ऑपरन हेल्डेन थ्योरी सजेस्टेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी सजेस्टेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वुड हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द अर्थ्स प्रीमोडियल सूप, और वी माइट से डार्विन्स वॉर्म लिटिल पॉन्ड। जैसे डार्विन के बारे में मैंने बताया था कैसे एक वॉर्म लिटिल पॉन्ड में जनरेट हो सकता है, तो उस टाइम पे ऐसा ही हुआ होगा ऐसा मानते हैं। द थ्योरी ऑल्सो रीजन डेट अबंडेंट एनर्जी मस्ट हैव बीन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉस्मिक रेस लाइटनिंग टू ड्राइव दिस केमिकल रिएक्शंस। काफ़ी कॉम्प्लेक्स हम ऐसा मानते हैं उस टाइम पे, जब प्रीमोडियल अर्थ पे जो हमारा मिथेन का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था, तो उस टाइम पे काफ़ी तरह की, काफ़ी टाइप्स में एनर्जी प्रेजेंट रही होगी, चाहे वो हीट एनर्जी रही हो, कॉस्मिक एनर्जी रही हो, या लाइटनिंग रही हो, लगातार काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रही हो, जो इन केमिकल रिएक्शंस अपने आप स्पॉन्टेनियसली जिन जो इन केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव कर रही थी। आइए देखते हैं मिले एंड जूरो के एक्सपेरिमेंट। तो स्टैनले मिलर एंड हेरोल्ड सी यूरे पुट द ऑपरेन हेल्डन थ्योरी टू टेस्ट। ऑपरेन हेल्डन ने जो थ्योरी दी थी कि जो प्रीमॉडल अर्थ में कंडीशंस थी उस वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने आगे प्रूफ करके दिखाया ऑपरेन हेल्डन थ्योरी को। किस किस ने? स्टैनले मिलर ने और हेरोल्ड सी यूरे ने, एक्सपेरिमेंट करके बाय रिक्रिएटिंग इन द लेबॉरेटरी। मैंने पहले गलत बताया था आपको कि जो एक्सपेरिमेंट वाली बात थी, एक्सपेरिमेंट किया था ये मिले एंड यूरे ने। जो हमारी थ्योरी दी थी वो हेल्डन ओपरन हेल्डन थ्योरी है, जिसमें बताया गया कि कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे प्रीमॉडियल अर्थ पे। जो हमारा एक्सपेरिमेंट किया था वो मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने लेबोरेटरी में कैसे किया, द प्रोबेबल कंडीशंस ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, दे बिल्ड एन एपरेटस ऑफ ग्लास ट्यूब्स एंड फ्लास्क। एपरेटस ऐसा कुछ बनाया गया जैसे कि आप फिगर में आप देख पा रहे हैं, ऐसे ग्लास ट्यूब, एक बड़ा ग्लास लिया गया जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जिसमें गैसेस का मिक्सचर था, H2CH4C NH3 अमोनिया वाटर, इन सब का जो उस टाइम पे रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया था प्रीमोडियल अर्थ की कंडीशंस में। एंड क्रिएटेड एन एटमोसफेयर, जैसे मैं बता रहा हूँ क्रिएटेड एन एटमोसफेयर कंटेनिंग हाइड्रोजन अमोनिया मिथेन एंड वाटर वेपर इन वन चैम्बर एंड अलाउड कंडेंस लिक्विड्स टू एक्यूमुलेट इन अनदर चैम्बर। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से वाटर वेपर को, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फ्लास्क में वाटर हीट हो रहा है, तो वाटर वेपर को यहाँ से डिस्चार्ज किया गया, गैसेस को एक जगह से डाला गया, एक एटमॉस्फेयर बनाया गया अंदर इस स्फेरिकल आप ग्लास में देख रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया। इस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू करते रहे। तो थोड़े देर में क्या हुआ, या कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसमें अलाउड कंडेंस लिक्विड्स टू एक्यूमुलेट इन अनदर चैम्बर, चैम्बर में उस लिक्विड्स को एक्यूमुलेट होने दिया। एनर्जी वाज सप्लाइड बाय हीटिंग, हीटिंग के थ्रू एनर्जी सप्लाइड की गई और लिक्विड कंटेनिंग चैम्बर एज वेल एज बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो एनर्जी दो तरीके से दी गई, एक तो हीट किया गया उसके चैम्बर्स को, साथ में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए गए। तो मिलर एंड जूरे लेट देयर एक्सपेरिमेंट रन कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 1 वीक। उन्होंने लगातार इस एक्सपेरिमेंट को 1 हफ्ते तक जारी रखा एंड देन एनालाइज्ड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इनसाइड द एपरेटस। तो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने फिर केमिकल कंपोजिशंस को चेक किया जो लिक्विड में या एपरेटस में एक्यूमुलेट हुई थी। टू देयर ग्रेट डिलाइट दे फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ ये देख के कि उस लिक्विड में जो वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ था उसमें काफ़ी तरीके के लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग सम अमाइनो एसिड्स सच एज ग्लाइसिन एलानिन एस्पार्टिक एसिड। मेन जो अमाइनो एसिड्स उसमें प्रोड्यूस हुए ग्लाइसिन एलानिन एस्पार्टिक एसिड, जो मैं आपको लिक्विड बता रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट के 1 हफ्ते रन होने के थ्रू। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट 1 हफ्ते चला और जिस तरीके से हमने प्री मॉड्यूल कंडीशंस दी और कुछ अमाइनो एसिड्स का इसमें फॉर्मेशन हो गया, मेन अमाइनो एसिड्स का ग्लाइसिन एलानिन एस्पार्टिक एसिड, तो आप सोच सकते हैं हज़ारों साल में, 1000 मिलियन ईयर्स, इतने गैप में तो कितना कुछ बन सकता है उस कंडीशंस में। अगर इस एक्सपेरिमेंट को सोचिए 1 मिलियन, तो शायद हम भी फ्लास्क के अंदर एक लाइफ को ओरिजिनेट कर पाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। नेचर में ऐसा हुआ होगा तभी लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, वहीं से थ्योरी को इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कराया। ये द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैज सिंस देन बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार, काफ़ी साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर रिपीट किया गया एंड साइंटिस्ट हैव रिकवर्ड मोस्ट अमाइनो एसिड डेट आर प्रेजेंट इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज एडनिन एंड अदर न्यूक्लिक एसिड बेसिस। और इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया और साइंटिस्ट को अलग अलग साइंटिस्ट ने जब रिपीट किया तो काफ़ी मोस्टली जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं सारे ही मोस्टली
उन्होंने सॉल्यूशन में बना लिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, साथ साथ कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी, जैसे एडेनिन और हमारे और भी न्यूक्लिक एसिड बेसिस होती है, उसमें उसको बना लिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं जो डीएनए का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे, न्यूक्लिक एसिड बेसिस, एडेनिन वगैरह, जब ये प्रोड्यूस हो सकते हैं तो इन्हीं के आगे और रिएक्शंस करवाने से आगे डीएनए फॉर्म हुआ होगा प्रीमोर्डियल अर्थ पे, ऐसा मान सकते हैं हम। द असेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियोटाइड्स अमीनो एसिड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड थस हैव फॉर्मड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। इस तरीके से हमने थ्योरी में पहले बात की, अब एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूफ कर लिया कि ऐसे इसी कंडीशंस के थ्रू लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। एक बात होती है थ्योरी की, और थ्योरी के बाद जब वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हो जाता है वो, तो वो काफ़ी ठोस सबूत देता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जब एक हफ्ते के अंदर हम कुछ अमाइनो एसिड्स पैदा कर सकते हैं, तो क्या वो अर्थ नहीं कर सकती जिसका इतना बड़ा एटमॉस्फेयर रहा होगा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। द असेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ये हम पढ़ चुके हैं। दीज रिजल्ट ऑफ मिलर एंड जूरे एंड दोज ऑफ न्यूमरस अदर साइंटिस्ट सिंस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हाइपोथेसिस ऑफ ओपेरोन एंड हेल्डहॉर्न। तो उन्होंने सबूत दिया, ये जो रिजल्ट था इस एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने आगे मजबूत किया ओपेरोन हेल्डन की हाइपोथेसिस को। इट इज़ नाउ क्लियर वाई रिड्यूसिंग एटमोसफेयर वॉज एसेंशियल फॉर सच एबायोटिक सिंथेसिस। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा रिड्यूसिंग एटमोसफेयर ज़रूरी होगा एबायोटिक सिंथेसिस के लिए। एबायोटिक सिंथेसिस मतलब नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से एबायोटिक में, बायोटिक मतलब लिविंग से ऑरिजिनेट होना, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग से या प्री मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन लिविंग या नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना, एबायोटिक सिंथेसिस। फ्री ऑक्सीजन वुड डिस्ट्रॉय मोस्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इन सच अ सिंथेसिस। अगर मानिए उस टाइम पे ऑक्सीजन होती तो क्या होता कि ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव होती है, बीच में ही वो रिएक्ट कर लेती तो इन सबको बनने ना देती इस टाइम पे वो, अगर ऑक्सीजन उस टाइम पे प्रेजेंट होती। थस द प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट फ्री ऑक्सीजन और टुडे इज थॉट टू प्रिवेलेंट अबायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अब जो हम देखते हैं कि हम भी इंसान जब से चीज़ों को लिखने लगा है, तो इसमें कभी भी नहीं लिखा गया कि कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा ह्यूमन या कुछ ऐसा। क्यों? क्योंकि अब जो कंडीशंस है वो प्री मॉडल अर्थ की तरह कंडीशन नहीं है, फ्री ऑक्सीजन काफ़ी है, तो अब एबायोटिक्स ओरिजिन नहीं हो सकता लाइफ का, ऐसा माना जाता है। द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वर साइनोबैक्टीरिया बिलीव टू हैव इवॉल्व अबाउट 3,300 to 3,500 million ईयर्स अगो। तो क्या बताया, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो माना जाता है उसे साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है, जो पहला ऑर्गेनिज्म बना होगा फोटोसिंथेटिक, जो कि 3,300 से 3,500 million ईयर्स अगो में बना होगा एंड बिगेन टू रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसने क्या किया होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो एज अ बाय प्रोडक्ट उसने ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया एंड देयर बाय कन्वर्टेड द अर्थ एटमोसफेयर इंटू एन ऑक्सीडाइजिंग वन। तो थस उसने क्या किया कि जो अर्थ थी उसकी एटमोसफेयर को फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ाने लगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अमाउंट में साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, कि उन्होंने किस अमाउंट में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया होगा कि ऑक्सीडाइज नेचर हो गया एटमॉस्फेयर का, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन, इतनी ज़्यादा फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गई, तो किस अमाउंट में उन्होंने किया होगा। दिस प्रोबेबली पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ ए बायोटिक सिंथेसिस डेट वॉज पॉसिबल इन द रिड्यूसिंग एटमोसफेयर। तो उसने इस ए बायोटिक सिंथेसिस को रोक दिया जब उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, पर फिर आगे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होने लगा कि अर्थ ठंडी हो गई थी, वाटर प्रेजेंट था, वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन शुरू हुआ ऑक्सीजन आने की वजह से, और इवॉल्व हो सके जो पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने उसकी हेल्प करी होगी। मोर ओवर एज डार्विन पॉइंटेड आउट इन द लेटर, इवन इफ सम मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म
दे वुड बी एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन टूडेज अर्थ। ऐसा डार्विन ने पॉइंट आउट किया अपने लेटर में, इवन इफ सम मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड दे वुड बी एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन टूडेज अर्थ। इसका मतलब है कि अगर ए बायोटिक सिंथेसिस हो भी जाती है आज के टाइम में, कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड कुछ बन भी जाता है, तो वो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, वो इमिडिएटली खा लिया जाएगा या उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की जाने में, चाहे आप प्लांट चाहे आप वाटर बॉडी ले या लैंड ले, हर जगह आज के टाइम में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, वो इमिडिएटली उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको ले लेता होगा, अगर होता भी होगा तो। डार्विन ने अपने लेटर में ऐसा पॉइंट आउट किया। ऑन टूडेज अर्थ देयर फोर एज लुईस पाश्चर शोड लाइफ कैन ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो आज की अर्थ पे, फ्रॉम टूडेज अर्थ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लाइफ कैन ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ जिंदगी जो है एक दूसरी जिंदगी से ही बन सकती है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही बन सकता है, कोई भी ए बायोटिक सिंथेसिस अब पॉसिबल नहीं है, पहले थी जब प्रीमोडियल अर्थ था, अब नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज हाउ दिस सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स वर कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो अगर नेक्स्ट स्टेप ओरिजिन का आता है, हमने समझ लिया चलो उसके अमाइनो एसिड्स बने होंगे, न्यूक्लिक बेसिक बने होंगे, तो हम इससे आगे क्या बनते हैं, न्यूक्लिक बेसिस से कैसे डीएनए या डीएनए से पहला कैसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कैसे कंबाइन हुए, उन्होंने लार्ज और बड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को बनाया। जैसे प्रोटीन हमारा लार्ज कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड से मिलके बनता है, ऐसे न्यूक्लिक एसिड इन सेल्स ऑफ द प्रेजेंट डे और ऑर्गेनिज्म दीज आर फॉर्म्ड ओनली बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ऐसा सिर्फ एंजाइम के एक्शन से ही हो सकता है, पॉलीमराइजेशन जो है अमाइनो एसिड्स का या न्यूक्लिक एसिड्स का, ये एंजाइम की वजह से हो सकता है, अलग अलग एंजाइम्स की वजह से, बट एंजाइम देमसेल्व्स आर प्रोटीन, बट एंजाइम जो है वो खुद में प्रोटीन्स है। तो ये फिर से ये सर्कल थोड़ा सा घुमाता है कि एंजाइम की मदद से ये ऐसा हो सकता है कि उनका पॉलीमराइजेशन हुआ हो, बट एंजाइम तो खुद प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन बनने के लिए पहले प्रोटीन बनना तो चाहिए। तो ऐसा ही इसमें बताया है, देमसेल्फ आर प्रोटीन द अर्ली प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स मस्ट देयर फोर हैव बीन फॉर्म बाय सम नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस। तो जो अर्ली जो हमारे प्रोटीन्स रहे होंगे या न्यूक्लिक एसिड रहे होंगे, वो नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेसेस से बने होंगे, जिनके बारे में हमें नहीं पता अभी, वो हो सकता है या ऐसा ही हुआ होगा, नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेसेस से ही उनमें पॉलीमराइजेशन, उनमें कॉम्प्लेक्सिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उनके बने होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू सेल द रियल प्रॉब्लम्स दैट साइंटिस्ट फेस इन एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज हाउ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स दैट माइट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ बिकेम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सेल। अब रियल प्रॉब्लम क्या आता है जो साइंटिस्ट आज के डेट में फेस करते हैं, कि हाउ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड डेट माइट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सेल्स। कैसे जो शुरुआत के प्रोटीन्स थे या न्यूक्लिक एसिड्स थे, वो कैसे उन्होंने सेल्स को, कैसे वो ऑर्गेनाइज हुए अपने आप में, उन्होंने सेल्स को जन्म दिया, कैसे हुआ होगा ऐसा। बोथ ऑपेरन एंड अनदर साइंटिस्ट सिडनी फॉक्स डिस्कवर डेट एक्वस सस्पेंशन ऑफ द काइंड ऑफ पॉलीमर्स डेट माइट हैव बीन एबायोटिकली सिंथेसाइज ऑन प्रिमिटिव अर्थ व्हेन हीटेड फॉर्म स्फेरिकल एग्रीगेट्स कॉल्ड सिसरवेट्स। अब हम बढ़ रहे हैं सिसरवेट्स के बारे में, उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से जो एबायोटिकली सिंथेसाइज हुए होंगे प्रिमिटिव अर्थ में मॉलिक्यूल्स, जब वो हीट होंगे, जब उनको हीट एनर्जी मिली होगी, तो उन्होंने एक
स्फेरिकल सर्कल बना लिया होगा अपने आसपास, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए। उन्हें जिन सर्कल्स को हम सिसरवेट्स कहते हैं, दीज सिसरवेट्स आर लार्ज इनफ दीज सिसरवेट्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड रिमाइंड अस ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही सिंपल एक तरह का ऑर्गेनिज्म बनाया होगा सिसरवेट्स, जिनको हम बोलते हैं। आइए इसके इससे पहले हम पढ़ते हैं नॉन एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ बायो पॉलीमर्स। तो जैसे मैंने बताया, नॉन एंजाइमेटिक सिंथेसिस हुआ कैसे होगा था? इन रिसेंट टाइम साइंटिस्ट हैव एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड नॉन एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ सम शॉर्ट शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। साइंटिस्ट ने, जो मैंने आपको बताया नॉन एंजाइमेटिक सिंथेसिस कैसे हुआ होगा, पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ होगा अमाइनो एसिड्स का, उसमें कुछ बताया है। द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टूडे आर मच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट साइंटिस्ट आर एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड एंड इज वेरी लाइकली डेट बेटर मेथड्स ऑफ नॉन एंजाइमेटिक सिंथेसिस विल सून बी डिस्कवर। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटली अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कोई सबूत या अभी तक ऐसा कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं आया है इस बुक के टाइम तक। ये काफ़ी ओल्ड एनसीईआरटी है, अभी का नहीं पता। तो इट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप एंड रिमाइंडर्स, ये सिंपल बैक्टीरिया बैक्टीरिया के भी सबसे सिंपल फॉर्म से मिलते थे सिसरवेट्स एंड अदर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सिसरवेट्स ग्रो बाय अब्सॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या किया होगा, इस अपने स्फेरिकल के अंदर एब्जॉर्ब शुरू किया होगा जो और मॉलिक्यूल्स बने हुए थे एनवायरनमेंट में, उनको लेना इन्होंने शुरू किया होगा, इनटेक करना शुरू किया होगा। अब न्यूट्रिशन बोलते हैं, इन्होंने अलग मॉलिक्यूल्स को खाना डाइजेस्ट करना शुरू किया ताकि ये और बढ़े और ग्रो कर सके। दे कैन डिवाइड बाय बर्डिंग लाइक बैक्टीरिया, वो हो सकता है बैक्टीरिया की तरह बर्डिंग की तरह से अपना रिप्रोडक्शन डिवाइड भी होते हो। मोर ओवर मैनी फेमिलियर केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज डेट प्लेक्स इनसाइड द सिसरवेट्स, इट इज दस पॉसिबल डेट द फर्स्ट सेल अरोज इन मच द सेम वे एज सिसरवेट एट द एज ऑफ प्रिमिटिव लेक्स एंड ओशन। द सन प्रोवाइडेड द एनर्जी फॉर सच प्रोसेसेस। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, हो सकता है वो बडिंग बैक्टीरिया जैसे बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है, हो सकता है वो भी करते हो। और बहुत ही फैमिलियर जो हमारे रिएक्शंस हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन होना, ग्लूकोज का टूटना, ये सिसरवेट्स में होता था। तो हो सकता है कि जो फर्स्ट सेल अरोज हुए हो या बने हो, वो जैसे सिसरवेट्स बने हैं इसी के से बने हो या इसी के तरह से फॉर्म हुए हो। तो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स हम उसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।